तो राधे राधे सभी को, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कथाओं का सिलसिला हमारे चैनल पर ऐसे ही चलता रहता है, तो आज एक नई कथा के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है उस बहन की जिसका भाई अपना घर छोड़कर जा चुका था। तो अब कथा को हम शुरू करते हैं। एक बात की बात है, जब एक घर में उसका भाई, उसकी माँ और एक उसकी बहन रहती थी। एक दिन ऐसा आया कि भाई और माँ में अनबन हो गई। भाई गुस्से के कारण घर छोड़कर चला गया। उनके गांव में एक ट्रेन थी जो उनके गांव से लेकर उनको शहर छोड़ती थी, तो वह उस ट्रेन में बैठकर चला गया। कुछ सालों के बाद, कुछ दिन बाद, उसकी माँ ने सोचा कि गुस्से में मेरा बेटा गया है, आ जाएगा। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, कुछ साल बीते, ऐसा करते करते समय बीतता गया, परंतु उसका लड़का नहीं आया और उस लड़की का भाई भी नहीं आया, क्योंकि वह उस लड़के की माता थी जो गया था, और एक उसकी छोटी बहन भी थी। अर्थ कि ना उसका बेटा आया ना उसका भाई आया। तो एक दिन वह खेती कर रहे थे और सामने से ट्रेन आ रही थी, तो माँ ने सोचा कि मेरा बेटा आ गया, क्योंकि उसकी माँ इतना अपने बेटे को मिलने के लिए हो गई थी कि कोई भी ट्रेन देखती थी तो यही बोलती थी कि मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा शहर से आ गया। तो उसकी जो छोटी बहन थी उसको भी अपने भाई का प्रेम चाहिए था, तो वह भी सोचती थी कि मेरा तो भाई ही नहीं है, सबके भाई है। तो एक दिन वह रोती रोती मंदिर चली गई, श्री हरि के मंदिर चली गई। तो वह वहाँ रो रो के बोलने लगी, हे भगवान, तू मेरे भाई को वापस ले आ, नहीं तू वापस ले आ, बस तू ले आ। ये सब पुजारी देख रहा था, उसने आकर उस बेटी को बोला कि ले बेटी, ये हमारे मंदिर से तू लड्डू गोपाल ले जा और इनकी तू सेवा किया कर, इनका हर चीज किया कर, और तू इनको बोल कि वह तेरे भाई को वापिस ले आए। उसने बोला कि पुजारी जी, अगर मैं इनकी सेवा करूँगी तो क्या ये मेरी भाई को वापिस ले आएंगे? तो पुजारी ने बोला कि हाँ बेटी, ये इनकी तू सेवा कर, ये तेरे भाई को वापिस ले आएगी। तो वह खिलखिलाती हंसती चली गई और अपने घर चली गई। घर जाकर उसने अपने लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर में बिठाया और उनकी पूजा और सेवा करने लग गई। उतने में ही उसकी माँ आ गई पीछे से और बोली, बेटी ये क्या कर रही है? उसने बोला, माँ ये मैं लड्डू गोपाल लाई हूँ, मैं इनकी सेवा करूँगी और ये मेरी सेवा से खुश होकर मुझे मेरे भाई वापस दे गई। उसकी माँ ने बोला, मैं तो पागल थी अपने बेटे के जाने पे, अब ये अपने भाई के जाने पे भी पागल हो चुकी है, लगता है इस घर में तो सारे ही पागल हो जाएंगे एक दिन। तो ऐसा बोलकर उसकी माँ चली गई। दिन तक ऐसे ही चलता रहा और जो वो छोटी लड़की थी वह लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। कुछ सालों में वह भी विवाह की उम्र की हो चुकी थी। उसकी माँ पुजारी के पास गई और बोली, पुजारी जी अब तो मेरी बेटी विवाह की उम्र की हो गई है, कोई लड़का तो ढूंढ लीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है इसका तो भाई जो है वो चला गया है, वो है या नहीं हमें तो ये भी नहीं पता, उसको तो कोई पड़वा ही नहीं हमारी, उसको तो ये नहीं पता कि उसकी एक छोटी बहन थी, उसकी एक माँ थी, उसको तो कुछ भी नहीं पता, वह तो शहर जाके बस चुका है। ऐसा बोला उसकी माँ ने पुजारी से। तो पुजारी ने बोला, ए बहन तू चिंता मत कर, तेरी बेटी हमारी बेटी समान है, हम उसके लिए एक लड़का ढूंढेंगे अच्छा सा।
तो ऐसा बोलकर उसकी माँ चली गई। उस छोटी लड़की का नित नियम था कि वह अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर कर मंदिर अवश्य जाती थी। तो वह एक दिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर कर मंदिर जाने लगी। उस मंदिर में पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर निकली और उसने देखा कि उसके सामने से, उस मंदिर के सामने से उसके प्रिय भैया आ रहे थे। उसने बोला, भैया भैया तुम कहाँ से आ गए, तुम तो शहर थे। तो उसने बोला कि मैं आ गया मेरी बहन, क्योंकि एक दिन पहले उस लड़की के मन में इतना वो हो रहा था क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व आ चुका था और उसका भाई नहीं था। पूरे गांव में सब अपने भाइयों को राखी बांध रहे थे, परंतु वह किसी को राखी ना बांध पाई। तो इसलिए उसने अपने लड्डू गोपाल जी को ही राखी बांधी और बोला कि मेरी राखी का तोहफा तू ये देगा लड्डू गोपाल कि तू मेरे भाई को वापस ले आएगा। तो अगले दिन उसका भाई वापस आ ही चुका था। तो वो आते ही अपने भाई को देखकर ही खुश हो गई और उसने जल्दी बोला कि भैया भैया चलो चलो हम घर चलते हैं, माँ आपका इंतज़ार करती हैं। तो वह घर लेकर अपने भाई को चली गई। जैसे ही घर गई उसकी माँ ने देखा कि बेटी तो अपने भाई को लेकर आ रही है, वह भी खुश हो गई। उसने बोला, हे बेटा तू इतने दिनों से कहाँ था, तुझे हमारी याद नहीं आती थी। तो उस लड़के ने बोला कि माँ मैं तो पैसा जमा करने गया था, मेरी बहन की शादी है ना, इसलिए मैं पैसे जमाने गया था शहर में। अब मेरे पास इतना पैसा है कि हम पूरे गांव में सबसे अच्छी शादी करेंगे। तो उस लड़के ने लड़का ढूंढा अपनी बहन के लिए और अपनी बहन की शादी करी। इतनी धूमधाम से शादी करी कि उस गांव में, उसके आसपास के 36 गांव में कोई ऐसी शादी ना कर सका आज तक। इतनी अच्छी उसने शादी करी। उसकी माँ ने सोचा कि ये कहीं से पैसा तो कर्ज नहीं ले आया। उसने बोला कि बेटा तू कहीं से पैसा तो कर्ज नहीं ले आया जो इतना पैसा खर्च रहा अपनी बहन की शादी में। उसने कहा, नहीं नहीं मैं किसी से कर्ज लेता नहीं हूँ, मैं तो लोगों को कर्ज से मुक्ति दिलाता हूँ। आप समझे कुछ, अगर नहीं समझे तो आगे की कथा अवश्य सुनेगा। तो उसने ऐसा कहकर टाल दिया। जब विवाह का समय आया, विवाह होने लगा और जब फेरे का समय आया तो उसका जो असली भाई था, सुन रहे हैं आप सब, जो उसका असली भाई था वह आ गया। गांव में उथल फुथल हो गई कि एक ही शक्ल के दो इंसान कैसे हो सकते हैं। तो फिर जो वह बन के आए थे भाई, वह अपने असली रूप में आकर प्रकट हुए। वह और कोई नहीं, मेरे श्री हरि मेरे लड्डू गोपाल के रूप ही थे। उन्होंने कहा कि हे बहन, तूने मुझे दिल से पुकारा था, तूने कहा था ना कि मेरे भाई को ले आओ, तो मैं स्वयं तेरे पास आ गया तेरा भाई बनकर। मैंने वो सारे दायित्व निभाए जो एक भाई को निभाने चाहिए थे। अब तेरा भाई आ चुका है तो मेरा भी कार्य सफल हो चुका है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। यह बोलकर श्री नारायण श्री हरि आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो चुके थे। तो आप सब जान ही गए होंगे कि रक्षाबंधन क्यों बनाया जाता है और इसकी महिमा कितनी है। आप सभी अपने घर में लड्डू गोपाल तो रखते ही हैं, तो आप भी उनको रक्षाबंधन के पर्व पे राखी अवश्य बांधिएगा। जो हमारी सारी बहनें हैं उनको मेरी ओर से हैप्पी, उनको मेरी ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी मुबारक। और मैं अपने हरि जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको वो सब मिले जो आपकी इच्छा है, आपकी सब इच्छा पूरी हो। ये इस भाई का
ये इस भाई की इच्छा है आपके लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। राधे राधे।